हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिंदास वर्ल्ड, और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको विंटर सीजन में फ़िश केयर के बारे में पता चले। तो ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ फिश केयर के बारे में। ये देखिए मेरी फ़िश कितनी हैप्पी है और जैसा घूम रही है अच्छी तरह से, देख रहे हैं आप। इसकी वजह यह है कि इनकी मैं इनकी प्रॉपर केयर करता हूँ। अगर आप भी इनकी प्रॉपर केयर करेंगे तो आपकी फ़िश भी किल नहीं होंगी और हैप्पी रहेगी। सबसे पहले आपको एक काम करना है, सर्दियों में आप ओनली एयर पंप चलाएं। सबसे पहले आप ओनली एयर पंप चलाएं। एयर पंप चलाने की वजह ये है कि ये आपको ये पीछे दिख रहा है, ये आपको मशीन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये पीछे लगी हुई है, इसे कहते हैं फिल्टर। सबसे पहले आप इसमें फिल्टर में आपको ध्यान रखिए, ये बीच में इस जगह पे एक पाइप लगा होता है, तो सर्दियों में आप इस पाइप को निकाल दीजिए। पाइप निकालने की वजह यह है कि बाहर से अगर ठंडी हवा अंदर आएगी तो पानी ठंडा हो जाएगा और आपका हीटर काम नहीं करेगा। तो आप इसे निकाल दीजिए, इसके निकालने के बाद इसे ऑन कर दीजिए ताकि आपकी क्लीनिंग करती रहे। इसके मतलब एयर इसमें नहीं निकलेगा लेकिन आपका क्लीनिंग करती रहेगी एयर पंप लगाएं। और आप हीटर का टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री 27 डिग्री सेट करें, ये प्रॉपर इतना ही सेट करें ताकि आपकी फिश हैप्पी रहें। और ये देखिए हीटर ऑन है, ये 50 वाट का ग्लास हीटर है, मैं न्यू हीटर लाया हूँ ये। और ये देखिए फिश अच्छी तरह घूम रही हैं, फिर रही हैं। और आप जब भी एक्वेरियम पानी चेंज करें सर्दियों में खास करके, कम से कम पानी चेंज करें ताकि पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना पानी चेंज करें, कितना इतना यानी कि 20 या 25% पानी चेंज करें। और सबसे पहले पानी चेंज करने लगे हीटर का प्लग निकालें, हीटर का प्लग निकालें ताकि आपको शॉक ना लगे। और हीटर इस एक्वेरियम में हाथ ना डालें जब भी हीटर का प्लग लगाओ, क्योंकि कभी कभार हीटर में शॉक भी लग सकता है आपको एक्वेरियम के अंदर। तो ये देखिए, तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें और अपने फिश की केयर करें। और ओवरफीड तो खासकर ना करें। ओवरफीड करने की ये वजह है जैसे कि आप खाना डाल देते हैं अपनी मछलियों को, एक बार डाल दिया, दो बार डाल दिया, तीन बार डाल दिया, इतना खाना ना डालें। सिर्फ थोड़ा ही खाना डालें जितना वो कम से कम 5 मिनट में खा सकें। ज़्यादा खाना खाने से फिश आपकी किल हो सकती हैं और इन्हें वाइट स्पॉट हो सकते हैं। और हीटर आपने अगर तक नहीं लगाया तो इसे प्लीज़ लगा लीजिए, क्योंकि आपकी फ़िश को वाइट स्पॉट हो जाएंगे और फिर वो उसे मरना, तो फिर तो उसे मरना ही है। तो ये देखिए फिश को फिर आप बचा नहीं सकते, इसलिए आप हीटर लगाएं और अपने एक्वेरियम को सेफ रखें ताकि आपकी फ़िश को कुछ परेशानी ना हो। और आपको ये देखिए, और अपने एक्वेरियम को कम से कम क्लीन करें सर्दियों में। अगर आप बार बार क्लीन करेंगे तो एक्वेरियम का पानी ख़राब हो जाएगा, इससे आपका पानी ठंडा हो जाएगा, गर्म फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए आप कम से कम क्लीन करें और अपने एक्वेरियम के हीटर की सफाई करते रहें ताकि वो सेफ रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिंदास वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।